हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ऑप्शंस हैं लेस देन 7%, अप्रोक्सीमेटली 15%, मोर देन 18% एंड अबाउट 10%। सो द की कंसेप्ट हियर इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एनरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, यानी ये रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। और यहाँ पे सबसे पहले होती है ग्लाइकोलिसिस, जिससे ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूविक एसिड। और फिर ये पाइरूविक एसिड या तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, और इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और या फिर ये इथेनॉल की फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरूविक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और इसे कहते हैं हम अल्कोहल फर्मेंटेशन। इन दोनों फर्मेंटेशन के प्रोसेसेस में ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। विच इज प्रेजेंट इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और ये सारी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, यानी नॉट ऑल ऑफ दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड्स ऑफ एटीपी। सो अब क्वेश्चन में पूछा है व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो जब लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम पाइरूविक एसिड, तो इसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और यहाँ पे लेस देन 7% ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लेस देन 7%, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड है अप्रोक्सीमेटली 15%, ये इनकरेक्ट है। थर्ड है मोर देन 18%, ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ है अबाउट 10%, तो ये भी इनकरेक्ट है। सो द फाइनल आंसर हियर इज ऑप्शन ए, दैट इज लेस देन 7%। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।